छत्तीसगढ़ में खाद की कालाबाजारी को लेकर पूरे प्रदेश में बीजेपी आंदोलन कर रही है। तो वहीं शुक्रवार को रायगढ़ में बीजेपी ने बड़े स्तर पर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया, खाद की कालाबाजारी का विरोध किया। ग्रामीण इलाकों से भी कार्यकर्ता प्रदर्शन में पहुंचे, जिससे दोनों तरफ 5 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। जाम के चलते राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान भाजपाइयों की पुलिस से जमकर झड़प हुई, जिसको लेकर पुलिस ने कई बीजेपी नेताओं समेत कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और चक्का जाम हटाकर यातायात को सुचारू बनाया। इस मौके पर SDM, ASP, TI समेत पुलिस स्टाफ मौजूद था। तेरा 700-800 रुपया में लेबर लगा थे। मऊ गांव में किसानी कर रहा था, न यूरिया मिली, न DAP मिली। सरकारी सोसाइटी में खोज खोज के थक गए। कोई करा यूरिया नहीं मिली, कोई करा DAP नहीं मिली, कोई करा पोटास नहीं मिली, कोनो जिला के कोई सोसाइटी में नहीं मिला थे। आज ये स्थिति अपन उत्पन्न कर दे हैं और सोसाइटी में नहीं मिला थे, लेकिन आप मन जाना था सोसाइटी में तो नहीं मिला थे, लेकिन साथ में साथ देखा था कि प्राइवेट व्यापारी वाला काला बाजारी करे वो मिल जाते। देखकर बार आज सब किसान मन के आवाज ला उठाए बार मजबूरी बस हमारा ये चक्का जाम करना पड़े, ये चक्का जाम ला हमारा मजबूरी में करना पड़े है। तो जनता ने जो खेल होते हमें क्षमा प्रार्थी हन, लेकिन जनता के ही लड़ाई है, किसान मन के ही लड़ाई है। ये भैरा सरकार लवाज सुनाए बार ये करे बार हमें मजबूर हो हन। ओपी भैया जिंदाबाद। जनता पार्टी रायगढ़ जिला, किसानों को यूरिया न मिलने के कारण किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। किसानों के साथ जो धोखा हुआ है हमें सरकार में, उसके खिलाफ पूरा तरह से चक्का जाम का आंदोलन किए हैं। इसमें पुलिस के द्वारा हमें जबरन गिरफ्तार किया गया है। हम गिरफ्तारी का विरोध करते हैं और गिरफ्तारी से आंदोलन खत्म नहीं होगा। उत्तर सरकार मान के चले कि आंदोलन और उग्र होगा और आगे बढ़ेगा। किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी आगे लगातार लड़ती है। आज कुंडा तराई में जो कुसौर जाने के रास्ते की राह में अपनी मांगों को लेकर भाजपा के पदाधिकारी रोड पर बैठ गए थे और मार्ग को अवरुद्ध किया। उनको समझाइश दी गई लेकिन नहीं माने, तो उनको एहतियात के तौर पर ले जाया गया है बस में बिठाल के, तो उनको समझाइश देने के बाद छोड़ दिया जाएगा और जो भी लगाने का रखती है। करीब कितनी संख्या है? 100-150 के आसपास।